दोस्त ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में फिल्म रिलीज हो चुकी है, आपने देख ली है, क्या रिएक्शन है आपका, कैसी लगी आपको फिल्म? सर मेरे को तो बहुत अच्छी फिल्म लगी और आमिर खान का काम ऐसा लगा सर जैसे अंग्रेजों को भी ठगना था और क्या कह मैं हिंदुस्तानियों को ठगना था, दोनों को ठगना था उसका काम। okay. तो और काम दोनों तरफ से उसका रोल ऐसा था ना जो विलनगिरी करता था, दोनों तरफ से गद्दारी करता था। हाँ एंड में भी बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से गद्दारी करी। ओके बच्चन साहब इसमें है और बच्चन साहब ने जबरदस्त एक्शन किया है, वो कैसा लगा आपको जब सामने आते हैं वो घोड़े पे चढ़ के, तो उस वक्त क्या रिएक्शन था आपका? उसका उस स्टेप को बहुत अच्छा ही लगा था सर, बहुत ही ज्यादा क्लोज लगा, मतलब काफी अच्छा लगा था उस टाइम पे एंट्री मार रही थी आमिर खान अब करना अमिताभ बच्चन ने, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा क्लोज। और एक्शन कैसा किया उन्होंने? बहुत अच्छा एक्शन किया सर। फिल्म के अंदर हमें जहाज वहाज दिखते हैं, पानी में लड़ाई वड़ाई दिखती है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पानी में भी लड़ाई होती है सर, बहुत ही ज़्यादा ऐसे मूर्ति सी बन के आती है ना, तो वहाँ से ही पहले तो खड़े होते हैं, बारिश होती है तभी लड़ाई होती है। पूरा पेंट निकल जाता है, जब मूर्ति देखते हैं वो कहते हैं सामान इसमें झाड़ी में चढ़ाना तभी बारिश आ जाती है सर। जी तो अच्छा लगा उससे, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा कैटरीना कैफ कैसी लग रही हैं आपको? कैटरीना कैफ में दो आइटम शो करे उन्होंने सर। नहीं आपको कैसा लगे? मस्त लगी, अच्छी लगी। ओके सुरैया जान लेगी क्या? सुरैया बोलो सामने कैमरे में, सुरैया जान लेगी क्या? सुरैया जान लगी क्या? आउट ऑफ 5 अगर मैं कहूँ कितने स्टार देंगे आप? 3 स्टार। थैंक यू सो मच। सो मैम फिल्म देख कर आ रही है आप ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, कैसी लगी आपको फिल्म, अच्छी लगी या नहीं लगी जनता को बताएं? नहीं वो फिल्म तो बहुत अच्छी है, उसमें सब अच्छे ही काम करे, जैसे कैटरीना कैफ तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मजा आ गया। बहुत वो तो आइडन सॉन्ग तो एक नंबर करते सही में। अच्छा अगर मैं बात करूँ अमिताभ बच्चन है इसमें आमिर खान है, जहाज में लड़ाई चल रही है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? वो तो एक पुराने जमाने का मतलब एक फिल्म बनाए ले उसके बारे में बताया, लेकिन पहले क्या होता था, पहले क्या होता, क्या कर सकते थे, वही सब बारे में बताया उसमें। पसंद आई? हाँ मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। ओके ये अगर मैं बात करूँ स्टार्स की, 5 में से कितना स्टार देंगी आप फिल्म को? 5 में से 4 स्टार्स। वाह क्या, दर्शकों को बोलेंगी कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें? हाँ आप तो इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि फिल्म अच्छी है तो देखना तो ज़रूरी है भाई। थैंक यू सो मच। सो मैम बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले बताइए ठग्स आप अभी देख कर आ रही हैं, कैसी लगी आपको फिल्म? मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है। क्यों? क्योंकि इसमें ना जो पुराने ज़माने की जितने भी सब हैं सब इसमें बहुत अच्छे लगे इसके लिए। हाँ जहाज और उसमें जो लड़ाई रहती है ना सबसे अच्छा है, सबसे मज़ा है। हाँ ओके आमिर खान है इसमें बच्चन साहब हैं, दोनों एक साथ कैसे लग रहे हैं और दोनों का काम कैसा लगा आपको? मुझे दोनों का काम बहुत पसंद है और मेरे फेवरेट हीरो भी आमिर खान ही है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। इस फिल्म के अंदर कैसी लगी? ये भी बहुत अच्छी है, मजा आ गया। हाँ गधे पर बैठ कर आते हैं आमिर खान, कितना ज्यादा फनी लगता है आपको? हाँ ये तो बहुत है उसमें फनी की गधे के ऊपर। हाँ ओके अगर मैं बात करूँ कैटरीना भी है इसमें, फातिमा भी है, फातिमा को हम दंगल में देख चुके हैं ऑलरेडी, तो उन दोनों का काम कैसा लगा और कैटरीना कितनी ज्यादा हॉट लग रही है? मुझे इसमें कैटरीना का आइटम सॉन्ग ज्यादा अच्छा लगा और उसमें का सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। सुरैया जान लेगी? हाँ एक बार बोलो सामने, सुरैया जान लेगी क्या? सुरैया जान लेगी क्या? 5 में से कितने स्टार देंगी आप? मैं उनको 3 स्टार दूंगी। ओके क्या आप इस फिल्म को रिकमेंड करेंगी सबको? मैं ये बोलना चाहूंगी कि पब्लिक जनता ये फिल्म जरूर देखे क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो। तो भाई लोगों फिल्म देख कर आ रहे हो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, कैसी लगी जनता को बता दो भाई। पिक्चर एक नंबर है भाई, मस्त है, ऑसम पिक्चर है, एकदम भारी पिक्चर है। दिवाली का हमारे को ऑफर मिल गया है, मस्त में गिफ्ट मिल गया, एकदम भारी पिक्चर है भाई, मजा आ गया। पुल आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी पिक्चर। अच्छा पिक्चर में आप देखेंगे अमिताभ बच्चन है पिक्चर में, कैटरीना कैफ है, आमिर खान है, तो कितना अच्छा काम किया इन लोगों ने, आमिर खान अमिताभ जी ने कैसा काम किया? अमिताभ बच्चन जी ने बहुत अच्छे काम किए और आमिर खान जी की बात किया जाए तो उनकी तो हर पिक्चर हिट जाती है, तो ये भी जाएगी। और जो मैम कैटरीना मैम की बात है तो वो तो बहुत हॉट लगी पिक्चर में। क्या बात है, तुम्हें कैसी लगी कैटरीना? मस्त लगी भाई, बहुत हॉट दिखती थी, बहुत मतलब बहुत क्यूट दिख रहे थे, बहुत औसम था पिक्चर भी, उसमें रोल भी हमको जमा था, मस्त अच्छे दिख रहे थे एकदम, सब अच्छा लगा एकदम। अगर मैं बात करूँ फिल्म के अंदर जहाज वहाज दिखाए हैं, पानी के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं जहाज वहाज बना के, वो सीन देखने में कैसा मजा आया? बहुत औसम सीन था, पूरा बैकग्राउंड पूरा रावस था, मस्त एकदम उल्टी था, कड़क था भाई, एकदम कड़क रावस, रावस बोलो रावस। 5 में से कितने स्टार दोगे फिल्म को?
चार स्टार। ओके, चलते चलते सामने दर्शकों को एक बार बोल दो कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जरूर देखना। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जरूर देखना, एकदम ऑसम पिक्चर है। थैंक यू भाई। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अभी आप देख कर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको फिल्म? वेल, जो हवा बना के रखा है हम लोगों ने, ऑडियंसेस ने, दिवाली पे आके यार कोई घरों की फ्रस्ट्रेशन, अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन कैमरे के सामने निकाल दिया बोल के, अरे बहुत ही कमाल की मूवी बन सकती थी बट नहीं बनी, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी मूवी बनी है। जैसे कि विजय कृष्ण आचार्य, तो मुझे लग रहा है उनका सपना पूरा हो गया अमिताभ बच्चन और आमिर खान को साथ में डायरेक्ट करने का। आई थिंक विजय कृष्ण आचार्य हैज़ लिव्ड हिज ड्रीम बिहाइंड द कैमरास। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो अमिताभ जी और आमिर खान सर की एक अलग ही केमिस्ट्री आ रही है। व्हाट यू वांट टू से एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न इन दिस मूवी, आई थिंक रिलेशनशिप में राइटिंग ज़्यादा हो सकती थी। यानी कि हम कहानी की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने गेटी में भी और फन रिपब्लिक सिनेमा में जहाँ आप अक्सर रिव्यू करते हैं वहाँ पे बोल दिया है कि अरे स्टोरी नहीं है मूवी में। मैं एक विनती करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि स्टोरी होती क्या है, कहानी क्या होती है। कहानी मेरी भी हो सकती है, कहानी आपकी भी हो सकती है, कहानी कैमरामैन की भी हो सकती है, कहानी बच्चे की, औरत की, किसी भी कहीं से भी आ सकती है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कहानी में एक बात होती है, वो है प्लॉटिंग एंड प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन विच इज़ नोन एज स्क्रीन प्ले। तो कहीं ना कहीं कहानी बहुत खूबसूरत है। इट्स इंडिपेंडेंस फाइट, इट्स फाइट फॉर फ्रीडम, इट इज़ द रिवेंज फॉर फातिमा सना शेख हु सॉ हर पेरेंट्स गेटिंग किल्ड बाय जॉन क्लाइव इन फ्रंट ऑफ हर आईज। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन रॉन्ग गया है, कहानी बेहतर है, कहानी बेहतर, बहुत कमाल है। VFX, कॉस्ट्यूम, वो जो वो एरा क्रिएट किया गया है, व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? भैया यश राज प्रोडक्शन बैनर इटसेल्फ इज अ ब्लू चिप बैनर इन बॉलीवुड। आई थिंक जो भी उन्होंने कोशिश की है वो बेहतरीन की है। हम यहाँ आते हैं 200 की टिकट लेते हैं, 118 की टिकट लेते हैं, जो भी हम सिर्फ मूवी को देख के 2 मिनट में रिव्यू टाइप करके ट्वीट कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना दोस्तों। 3 साल लगे हैं, सिर्फ 1-1.5 साल तो शिप बनाने में लगा, उसके बाद माल्टा में जो शेड्यूल हुआ था। तो मेरे हिसाब से जो CGI एंड VFX दे आर वेरी डिसेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट्स माइंड ब्लोइंग इनक्रेडिबल, यस वी हैव गॉट समथिंग, बट द काइंड ऑफ कोशिश हैज गॉन बिहाइंड इट, दैट इज रियली मेंट टू बी अप्लॉड फॉर। थैंक यू विजय कृष्णा आचार्य फॉर गिविंग अस सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। या एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो बच्चन साहब, फातिमा, आमिर, कैटरीना और बहुत सारे कलाकार हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो भाई, उनमें से 3 तो बड़े नाम हैं, कैटरीना, अब सुरैया जान को आप कैसे भूल सकते हैं, जब वो आती हैं कमाल कर जाती हैं, चाहे वो टब से निकले और परफॉर्म करें सुरैया सॉन्ग को या फिर बीच में आके एक आधी डायलॉग बाजी करें, जो भी है गॉर्जियस हैं। आमिर खान की बात करें, विजय कृष्ण आचार्य ने जैसे मैंने बोला राइटिंग में, प्लॉटिंग और प्लानिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कही है, बट आमिर खान का कैरेक्टर बहुत कमाल लिखा है। मतलब मैंने जब देखा मैंने सोच नहीं पाया कि दंगल में जब पेट बाहर था, मोटे फुग्गे हुए थे, अब जाके ये इतने स्लिम, सेक्सी और विटी हो गए, तो ये जादू है अपने आप में। तो कहने का मतलब है आमिर खान की राइटिंग बहुत अच्छी है उनके कैरेक्टर की, और उन्हें बाखूबी निभाया है। बात आती है गॉड ऑफ बॉलीवुड मिस्टर बच्चन। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ कैन यू जस्ट रीड समबडीज रिव्यू और लिसन टू समबडीज रिव्यू एंड से अरे नहीं रे नहीं देखनी, अमिताभ बच्चन छोड़, वो पहले तो आ रहे, दे आर लेजेंड्स डू, दे डोंट चूज मूवीज जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू चूज एंड दे आर फ्रेंड्स विद समवन, दे चूज मूवीज बिकॉज दे बिलीव इन द मेकर्स, दे बिलीव इन आदि चोपड़ा, दे बिलीव इन विजय कृष्णा आचार्य, दे बिलीव इन YRF। So the legend has done a great job as usual, intense, serious and dark. The moment he comes in the screen, when she tries to escape Fatima Sana Sheikh in the first scene, the entry is out of this world. And Fatima Sana Sheikh, she has also done a decent job after Dangal. I think it's a progressive start for her. Out of 5, how many star would you like to give, or would you like to give or not? Like depends on you. देखिए, आमिर का फ़ैन हूँ तो मैं स्टार दूँ या ना दूँ पार्शलिटी हो जाएगी, बट इस मूवी को मैं स्टार्स देना चाहूँगा। लोगों ने हवे बना के उसको 1 स्टार पे तोला है, 2 स्टार पे तोला है, मेरे हिसाब से इतनी बुरी नहीं है। आई लाइक टू गिव 3 स्टार्स टू दिस मूवी, दिस मूवी डिजर्व 3 स्टार्स बिकॉज जो मेहनताना लगा है, मेहनत की गई है, इस हिसाब से 3 स्टार। और आमिर खान के लिए पूछो ही मत यार, वन सेट डाई सेट ब्लडी हेल नॉनसेंस, गुड नाइट, बोर्डिंग विद क्विक मच, बोर्डिंग गुड नाइट, दैट्स समथिंग विच आई लव। एंड शहनशाह के लिए
जो होता है मंजूर खुदा होता है. आई मीन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई वॉच. थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो प्रोवाइडिंग दिस मूवी टू अस. विजय कृष्ण आचार्य, आदि चोपड़ा, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. वी आर विद यू एंड वी आर वन ऑफ दोज कॉलेज ऑडियंसेज हु आर ऑल्सो एडुकेटिंग आवर सेल्व्स यूजुअली. डोंट वरी, वी आर विद यू. ओके, थैंक यू सो मच. सो मैम, कैसी लगी आपको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, क्या कहना चाहेंगी आप? ओके, द मूवी वाज डैम गुड. आई लव द मूवी. आई एम हियर फॉर द सेकंड टाइम. सेकंड टाइम? या, आई हैव ऑलरेडी सीन द मूवी वंस, बट आई एम हियर फॉर द सेकंड टाइम. आई रियली लव द मूवी. एंड रिगार्डिंग द परफॉर्मेंसेज, आई लव, दो आई एम एन आमिर खान फैन, बट आई लव्ड अमिताभ बच्चन द मोस्ट. एंड आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ही टेकन इन द मूवी, बिकॉज बीइंग दिस एज, इट्स रियली लाइक it's really phenomenal to do all these stunts and everything. And I don't know why people are just, you know, getting convinced so easily because of the negative comments which are overflowing the social media. But I really want to tell them that don't believe it. And like, if I'll go and tell somebody the movie is good, they won't believe me, because there's a lot of already the backlash is, yeah, backlash is too much. But I really don't agree with it. The movie is damn good. It's lengthy, but it is not exhausting. It's very entertaining. Yeah, it is very entertaining. Okay. What you want to say about that costume, the designing, those ships, that extravagant things? Mm-hmm. What you want to say? It looks so massive. It's so massive, you have to, like, you won't believe me until you go and watch it, experience it yourself. And I want to say that I was going through YouTube and I came across this video where they've mentioned regarding the costume. So there's so much of thought process which was put regarding the costume also for every character, and it's so good. And I don't think you'll be able to see it in any other movie. It's massive, it's good. I really appreciate the efforts they've taken. What about Fatima's character and Katrina's character? They look amazing. Fatima, I think she's progressing a lot, and Katrina looks sizzling. I have to believe it, yeah. I have to say it. Out of 5, how many stars? Out of 5, okay, so if you're asking me about performances of like individual characters, I'd give 4.5 out of 5. But if you collectively ask me about the movie, it'll be 3.7 out of 5. Like, it's close to 4, but not 4. What's your final verdict on this film? Final verdict would be, please don't believe the negativity which is, you know, getting spread on the Instagram or whatever. You have to go and, because half of the people who haven't even watched the movie, they're saying that the movie is not good, or it's you know, the copy of POC. Yeah, I think it's not even an inch of, it's not even an inch copy. Yeah, so I want to say everyone that please go and watch it before you know, give out your verdict. Yeah, so I want everyone to enjoy this. Thank you so much. Thank you so much.